मर्डर मिस्ट्री 2 मूवी जो 2019 में आई हुई मर्डर मिस्ट्री मूवी का सेकंड पार्ट है उसे मैंने आज देख लिया क्योंकि अभी अभी नेटफ्लिक्स पे आई है। इस मूवी को शुरुआत में देखते हुए मुझे मूवी थोड़ी सी बचकानी लगी, मुझे लगा कि इसके अंदर कुछ वैसी कॉमेडी नहीं होगी जैसी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि मुझे तो मीम्स देखने की आदत है। लेकिन 10-15 मिनट के बाद मैं इस मूवी में खो गया, मुझे पता नहीं लगा कि कब मूवी खत्म हो गई। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई निकी और ऑड्रे की, जो लोग अपनी सारी सेविंग्स खर्च करके एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं ताकि ये लोग केस को सॉल्व कर सकें और बहुत सारे पैसे कमा सकें क्योंकि पहली मूवी के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा केस सॉल्व किया था। लेकिन इन दोनों को इनविटेशन आता है महाराजा की तरफ से, जिन्हें हमने पहली मूवी के अंदर देखा था, क्योंकि वो शादी कर रहा है इसलिए इन दोनों को बुलाना चाहता है। और ये लोग पहुंच जाते हैं उसके प्राइवेट आइलैंड पे और ये लोग इतने मनहूस होते हैं कि ये लोग जहां भी जाते हैं वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। और इस मूवी के अंदर महाराजा का किडनैप हो जाता है। अब किसने किडनैप किया है, क्यों किडनैप किया है, वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। मूवी की सबसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट की अगर बात करें तो वो है इसकी कॉमेडी, क्योंकि इस मूवी के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि जबरदस्ती कॉमेडी को घुसाया जा रहा हो जैसे कोरियन मूवीज के अंदर होता है। मूवी के अंदर जब भी कोई कॉमेडी वाला सीन आता है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें हंसी आती है क्योंकि वो इलॉजिकल नहीं लगता जैसा आज के टाइम पे तारक मेहता के साथ हो रहा है। बाकी इस मूवी का जो सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है वो इसका रन टाइम। इस मूवी का रन टाइम सिर्फ 1 घंटा 29 मिनट है, इस वजह से ये मूवी कब निकल जाती है हमें पता भी नहीं लगता। थर्ड चीज, इस मूवी के अंदर जो सीन्स हैं, जो लोकेशन है, वो बहुत ज़्यादा कमाल की है। मुझे नहीं पता कि वो लोकेशन रियल हैं या नहीं, मैं यहाँ पे महाराजा के आइलैंड की लोकेशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन जितनी भी हैं बहुत ज़्यादा कमाल की लगती है। इसी वजह से इससे हमें ये पता लगता है कि इस मूवी का बजट ठीक ठाक है, मूवी का BGM भी ठीक ठाक है और यही सारी चीजें मिलकर इस मूवी को एक वॉचेबल मूवी बना देती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मूवी के अंदर कोई कमी नहीं है। इस मूवी की सबसे पहली कमी यह है कि इस मूवी की जो मिस्ट्री है, सस्पेंस है कि आखिर किसने महाराजा किडनैप किया, वो मुझे शुरुआत में ही पता लग गया था। क्योंकि एक सिंपल सा रूल है कि अगर कोई मूवी आप देख रहे हैं और उसके अंदर आपका शक बहुत सारे लोगों के ऊपर जा रहा है और एक आदमी है या कुछ लोग हैं जिनके ऊपर आपका शक नहीं जा रहा, तो डेफिनेटली जिनके ऊपर आपका शक नहीं जा रहा उन्हीं लोगों ने ही वो गलत काम किया, वो किडनैपिंग किया, वो मर्डर किया है। तो इसी वजह से मुझे शुरुआत में ही पता लग गया था कि आखिर असली किडनैपर कौन है, विलन कौन है, और आगे आगे जो हो रहा था सब कुछ मुझे पहले से पता लग रहा था। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि मेरे साथ में जो और लोग मूवी देख रहे थे उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए जो लोग एंटरटेनमेंट के लिए मूवी देख रहे हैं उन्हें इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा और वो लोग आराम से इस मूवी को इंजॉय करेंगे। वैसे मुझे पता होने के बाद भी मैंने इस मूवी को काफी इंजॉय किया और आप भी इस मूवी को डेफिनेटली काफी इंजॉय करेंगे। बाकी इस मूवी को आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते क्योंकि इस मूवी के अंदर वैसे तो कोई सेक्स सीन नहीं है, ना ही कोई किसिंग सीन है, ना ही बहुत ज्यादा ब्रूटल सीन्स हैं। लेकिन उसके बाद भी सिर्फ इस मूवी के अंदर एक वर्ड है कि चलो घपाघप करते हैं, इसी वजह से ये मूवी फैमिली के साथ देखने लायक नहीं है। और एकाध सीन्स हैं जिसके अंदर रागनी MMS वाले टॉयज जो हथकड़ी होती है वैसा कुछ सीन है, इस वजह से भी आप इस मूवी को फैमिली के साथ नहीं देख सकते। बाकी आप अपने दोस्तों के साथ इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। मेरी तरफ से यही रिकमेंडेशन है कि अगर आप एक इंटरटेनिंग मूवी देखना चाहते हैं जो जल्दी से ख़त्म हो जाए और आपको बोर बिल्कुल भी ना करे, तो आप इस मूवी को चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।